बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आफ्टर 1.3 ईयर्स, सवा साल के बाद मैं वापस से ज्वाइन कर रही हूँ एज ए स्टूडेंट और एज ए फैकल्टी एंड एज ए TSS। जो भी पोस्ट है, जो भी है, मैं आपके साथ में आने वाले व्लॉग्स में सब कुछ शेयर करूँगी। तो आज पहला दिन है जब मुझे यहाँ पे जाना है और फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे मैं बेबी को जा रही हूँ लेके। सुबह मॉर्निंग में पहले मम्मी के घर गई और वहाँ पे बेबी, और उसको पता भी नहीं है कि मम्मी इसको गया, इसकी मम्मी इसको छोड़ के जाएगी अभी। और वो देख रहा है कि मम्मी व्लॉग में क्या शूट कर रही है। फर्स्ट डे बहुत डिफ़िकल्ट है एंड मुझे लगता है आने वाले हर दिन मेरे लिए बहुत कुछ ना कुछ मुश्किलें लेके आने वाला है, क्योंकि जाना नॉट मतलब लाइक ऐसा होता है कि हम लोग कैसे फेस करेंगे। यहाँ पर मैं कॉलेज बस में बैठ चुकी हूँ, यहाँ पर कॉलेज बस का टाइम बता दिया था। उसके बाद मैंने किया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह 6 बजे की उठी थी, फिर घर वहाँ से पहले पेरेंट्स के घर पे गई, वहाँ से बेबी को ड्रॉप किया, फिर उसके बाद वहाँ से फिर कॉलेज गई। तो अप्रॉक्स मॉर्निंग में मेरे 30-40 किलोमीटर का सफ़र हो ही गया था, 45 किलोमीटर। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं कॉलेज पहुँची थी। सुबह चाय वाय कुछ भी नहीं पी थी, तो चाय और यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा खुद को टचअप किया, और उसके बाद में रसना पोई और फैकल्टी वगैरह गाइड वगैरह से मिली। और कहते हैं कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है, समटाइम्स मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है ये सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग जज करेंगे कि 11 महीने के बच्चे को छोड़ के चली गई। एंड मुझे खुद को भी बहुत फील होता है, आई डोंट नो कि है हाउ टू रिएक्ट, बट कहते हैं ना सपोर्ट मिल जाए तो हम आगे कर सकते हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले दिन ही ऐसा डगमगा गई थी। एंड वो उसको जिस तरह से बेबी का रोना होता है, तो आप कहीं जा ही नहीं पाते हो, वो आपको छोड़ता ही नहीं है, उसको फिर उल्लू बना के आपको जाना पड़ता है। तो ये कॉलेज एक तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे है ना, इसमें घूमते घूमते मैं खुद ही घूम जाती हूँ, ऐसा लगता है। एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर, दूसरे फ्लोर से लेकर तीसरी बिल्डिंग, इनकी बिल्डिंगों के नाम भी बहुत कंफ्यूजन है। एन के ब्लॉक, डब्लू ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एंड सब बहुत दूर दूर भी है। उसके बाद मैंने लंच किया था, लंच बना के लेके आई थी मॉर्निंग में। तो मम्मी ने पहले ही बना के लेके आया था, बस पैक किया था, पहले दिन हेल्प मिल गई थी। तो उसके बाद लंच करने के बाद मैं यहाँ पे सर का वेट कर रही थी, सर से मिली एंड और सर ने गाइड किया, सब कुछ बताया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे पढ़ने हैं आगे, और उनका एग्ज़ाम वगैरह होगा, सब कुछ सिलेबस उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। और देखिए अभी तो फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, तो सब कुछ इतना ब्रीफ नहीं है, बट आप लोग के साथ में जितना हो सकेगा मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। तो सर ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो भाई मुझे मेरे बच्चे की बहुत याद आ रही है, यहाँ पर स्टूडेंट ही नहीं किया, वापस घर जा रही हूँ। रात हो गई, 7:30 होने वाला है, घर बहुत दूर है, पता नहीं कैसा ब्लॉग बना है, मेरा बच्चा कैसा होगा। बारिश हो रही है यहाँ पे खतरनाक वाली, रास्ता ही भूल गई रे, लोगों से पूछ पूछ के जा रही कौन सी कॉलोनी आ गई, कितनी खतरनाक वाला सीन जाता है। हाँ, ऊपर से मेरा बच्चा रो रहा है, पानी इतना भरा है, छाप 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 छाप, खतरनाक पानी भरा हुआ है। छाप छाप छाप, और वो बेबी को सामने से आते हुए देखना, एंड वो कंटिन्यू बहुत रो रहा था जब मुझे पता चला, एंड बस उसको मिलना, उसको भागते हुए गले लगाना। बस वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।